हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का 11th सम। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर्स। अब डिस्टेंस यानी आने जाने का जो रास्ता है उसका डिस्टेंस, स्कूल और उसके घर के बीच में कितना रास्ता है, 1 किलोमीटर 875 मीटर्स की दूरी है घर के बीच में और स्कूल के बीच में, इतना लंबा रास्ता है 1 किलोमीटर 875 मीटर्स का। एवरी डे सी वॉक्स द बोथ द वेस, हर रोज वो दोनों साइड पे चलता है, आता भी है और जाता भी है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज। अब 6 डेज में उसने डिस्टेंस कितना कवर अप किया वो आपको फाइंड आउट करना है। अब हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। ओके, स्कूल और हाउस के बीच में कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर्स। ओके, अब ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो पहले हम लोग इसको पूरा ही मीटर में कर देते हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ओके, तो 1000 + 875 कर देंगे हम लोग, 875 प्लस करेंगे तो 1875 मीटर्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1875 मीटर्स। ओके, अब दूसरा क्या बोल रहा है, एवरी डे सी वॉक्स बोथ द वेज। अब दोनों साइड पे वो चलता है, जैसे तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारा स्कूल 1875 मीटर है। ओके, तुम जाते हो और वापस आते हो तो 2 टाइम्स हो गया, तो 2 बार अपने को मापना पड़ेगा। सपोज तुम्हारा स्कूल 1 किलोमीटर है और फिर वापस तुम 1 किलोमीटर घर पे वापस आते हो, तो रोज तुम कितने किलोमीटर चलते हो, 2 किलोमीटर चलते हो। तो यहाँ पर ये जो लड़की है वो जाती भी है और आती भी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। एक दिन में कितना आती है और जाती है तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1875, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 10, 1 carry, 2 7 14, 15, 2 8 16, 17, 2 1 2, 3, तो 3750 मीटर्स एक दिन में इतना चलती है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो 6 डेज का कितना, तो अपन यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इज इक्वल टू, अब 1 डे का इतना है 3750, तो 6 डेज का कितना, तो 3750 × 6। ओके, अब 6 × 0 0, 6 5 30, 0 और 3 carry, 6 7 42, 43 44, 45 4 carry, 6 3 18, 19 20 21 22। ओके, तो कितना डिस्टेंस हो गया 6 डेज में, 22,500 मीटर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर्स, देयरफॉर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस
कवर्ड, इसमें क्वेश्चन में लिखा है ऐसे ही लिखना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इज इक्वल टू 22,500 meters. ओके, आई थिंक आपको ये सम समझ में आया होगा. अब हम लोग करेंगे 12 वाला सम. ओके, अ वेसल हैज 4 liters 500 milliliters ऑफ कर्ड. वेसल, वेसल यानी एक बड़ा जो कटोरा है उसके अंदर कितना कर्ड, कर्ड यानी दही है, कितना दही है, 4 liters 500 milliliters दही है. इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड. अब वो जो बड़े वेसल में कर्ड है उसको हमें क्या करना है, छोटे छोटे ग्लास बनाने हैं. कितने ml? 25 ml के हमको छोटे छोटे ग्लास में भरना है. तो टोटल कितने ग्लास तुम फिलअप करोगे, एक बड़ा वेसल है ओके, उसके अंदर कितना कर्ड है, 4 liters 500 milliliters कर्ड है ओके. तो छोटे छोटे ग्लास हमको फिलअप करना है. छोटा ग्लास कितना है, 25 ml के ग्लासेस हमको फिलअप करना है. तो कितने ग्लास तुम फिलअप कर सकते हो ये आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लीटर और मिलीलीटर में है और ये मिलीलीटर में है, तो इसको हम लोग जो है लीटर वाला है उसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 liter इज इक्वल टू 1000 milliliters. ओके, नाउ वेसल हैज कर्ड, कितना है वेसल के अंदर कर्ड, 4 liters 500 milliliters. ओके, अब 1 liter का 1000 है तो 4 liter का कितना हुआ, 4000 milliliters प्लस कितना है ये 500, तो 500 को हमने प्लस कर दिया तो कितना कर्ड हो गया, 4500 milliliters. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4500 milliliters. ओके, अब ग्लास कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, एक ग्लास में कितना आता है, 25 ml. ओके ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्लासेस, तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू, कितने ग्लासेस तुम फिल कर सकते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 4500 डिवाइडेड बाय 25. तो 4500 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 टू सा कितना होगा, 50. तो ये बड़ा हो जाएगा तो हम लोग 25 वन जा 25 ले गए. 25 वन जा 25 0 2 0. अब 25 8 जा कितना होगा, 25 8 जा 200. ओके, अब यहाँ पर जीरो है ओके, तो यहाँ हमने जीरो उतारा तो इधर भी हम जीरो लगा देंगे और इधर 25 into 0 तो ये जीरो आ जाएगा. तो कितने ग्लास फिलअप कर सकते हो आप, 180. सो नंबर ऑफ ग्लासेस फिल्ड इज इक्वल टू कितने ग्लासेस, 180. ओके, आई थिंक आपको ये 12th वाला सम भी समझ में आया होगा. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट लाइक करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे
ये सम्स को सीख सकती हूँ. ओके, थैंक यू वेरी मच.